स्वागत है आपका सिंह अर्जुन के नए एपिसोड में। यहाँ आपको मिलेंगी टॉप 3 न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो है दिल्ली एनसीआर बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्मार्ट ई। इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसको हाल में ही 100 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट, एक फंड मिला है और ये फंड आया है जापान की मित्सुई कंपनी की तरफ से। उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है इस स्टार्टअप में जिसका नाम है स्मार्ट ई। स्मार्ट ई बेसिकली जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, स्पेशली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। मैं यहाँ जनरली थ्री व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की। कंपनी के पास ऑलरेडी 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं और आज तक, जब से 2014 स्टार्ट हुआ है तब तक से लेकर आज तक 35 मिलियन राइड्स ये लोग इस पर ले चुके हैं, जिसका मतलब है कि हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है दिल्ली एनसीआर से। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा ये दिल्ली मेट्रो का ऑफिशियल पार्टनर भी है। मींस जितने भी दिल्ली मेट्रोज है उसके आसपास आपको ये रिक्शाज उनकी पार्किंग में खड़े दिखाई दे जाएंगे। वहीं से जिसको आगे जाना है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहा जाता है, वो आप इस इलेक्ट्रिकल, इनके जो इलेक्ट्रिकल रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शाज, उनसे आप राइड ले सकते हो। अभी जो फंड इनको मिला है 100 करोड़, कंपनी के कहना है कि उनके जो को फाउंडर एंड सीईओ है मिस्टर गोल्डी श्रीवास्तव का कहना है कि इस फंड से वो और ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऐड करेंगे, स्पेशली स्वैपिंग सिस्टम को भी ऐड करने की प्लानिंग है और चार्जिंग स्टेशन भी बिल्कुल उसके साथ इनका डिवेलप करेंगे। गोल्डी श्रीवास्तव जी का कहना है कि इंडिया में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो तकरीबन $42 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। मीन्स इतना बड़ा स्कोप है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। स्पेशली दोस्तों, थ्री व्हीलर्स एक अपने आप में बहुत मायने रखता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी में, क्योंकि एक थ्री व्हीलर रफली 4 से 5 गाड़ियों को रिप्लेस करता है रोड्स पर। तो बिल्कुल जैसा हमने लास्ट जो अपडेट आया था कि ऑलरेडी पिछले साल जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल है सीएनजी पावर्ड ऑटो रिक्शा, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल जो रिक्शा हैं तकरीबन 58,000 ज्यादा सेल हुए थे लास्ट ईयर। मैं सीधी बात है, इस सेगमेंट में काफी ज्यादा ग्रो हो रही है बजाय के टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के मुकाबले, थ्री व्हीलर सेगमेंट में ज्यादा ग्रो देखी जा रही है इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों, कम से कम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 किलोमीटर के लिए ₹10 चार्ज किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये तो स्टार्टअप था। इसके अलावा जो ऑलरेडी सेटल्ड कंपनीज है, ओला अबर, वो भी अपने फ्लीट में, ओला ने तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल जो थ्री व्हीलर्स हैं वो अपने फ्लीट में ऐड की हैं, अबर भी इस पर लगा हुआ है, उनकी टॉक चल रही है कंपनीज के साथ। तो उससे जो कोई भी नया अपडेट सामने आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा सबसे पहले। ये था दोस्तों आज का पहला अपडेट। यहाँ सेकंड अपडेट है एक क्वेश्चन के साथ, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड 75 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कार कौन सी सर्च की जाती है? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर है टेस्ला का मॉडल 3, जो बेस मॉडल है इनका, स्टैंडर्ड मॉडल जिसको कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा नेट पर सर्च की जाने वाली इलेक्ट्रिकल कार है टेस्ला का मॉडल 3 इंडिया में। बेशक इंडिया में भी सबसे ज्यादा इसको सर्च किया जा रहा है, बट अभी फिलहाल बेशक ये इंडिया में लॉन्च नहीं है, यह फिर भी इसको इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल 3 टेस्ला का बेस मॉडल है, रफली $35,000 इसका प्राइस है, रफली 25 लाख इसका प्राइस निकल कर आता है और इसमें 350 किलोमीटर की आपको मिनिमम रेंज मिलती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि काफी जो प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है टेस्ला की इंडिया में लॉन्च होने, क्योंकि इससे कंपनी को भी आइडिया होता है कि जो लोग इतनी ज्यादा सर्च हो रही है, मींस लोग इंटरेस्टेड है, वो वेट कर रहे हैं टेस्ला के मॉडल 3 की। तो अच्छी बात है, उम्मीद है। वैसे भी इलन मस्क ने लास्ट कुछ महीने पहले कहा था कि 2019 लास्ट नहीं तो 2020 तक जो यही मॉडल 3 इंडिया में बिल्कुल वो लॉन्च करेंगे। हम जानते हैं कि टेस्ला ऑफलाइन जो सेल है उस पर काफी ज्यादा कमी लेकर आया है, सिर्फ ऑनलाइन ही सेल कर रहा है, लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर तो इनको फिर भी सेटअप तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सेल वाइज बात करें, वो भी टेस्ला का मॉडल 3 सबसे ज्यादा सेल होता है बाकी मॉडल्स के मुकाबले। दोस्तों, ये था आज का सेकेंड अपडेट। या तीसरा और लास्ट अपडेट है, भारत की एक बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी फर्म ग्रुफर्स की तरफ से उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस साल के अंत तक 2019 के लास्ट तक तकरीबन 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ऐड करने की प्लानिंग है फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ऑलरेडी ग्रुफर्स ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, जिसमें 50 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ उसको टेस्ट किया गया था, जो कि बिल्कुल सक्सेस रहा था। कंपनी को फाउंडर मिस्टर सौरभ कुमार ने कहा था कि वो पायलट बिल्कुल उनका सक्सेस रहा था, इसलिए उन्होंने
इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की बात की है। उनका कहना है कि इससे जो उनकी कॉस्ट थी, रनिंग कॉस्ट थी, तकरीबन 50% जो खर्चा उनका कम हुआ है। इसके अलावा जीरो मिशन में तो बढ़ावा मिल ही रहा है, तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। ऑलरेडी अगर बात करें अभी तो तकरीबन 110 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इनके दिल्ली में और तकरीबन 60 इलेक्ट्रिकल व्हीकल जयपुर में इनके रन कर रहे हैं, और 15 सिटीज में ये 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ऑटो रिक्शाज डिलीवरी के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो इनकी होती है उसके लिए 2019 लास्ट तक इसको ऐड किया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों थम्स अप है ग्रुफर्स जैसी कंपनीज के लिए। या और लास्ट मंथ फ्लिपकार्ट का भी नोटिफिकेशन आया था कि वो भी अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ऐड करेंगे। अमेजोन की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया है। तो बिल्कुल दोस्तों ये अच्छी बात है कि इस तरह कंपनीज अगर इनिशिएटिव लेती है तो बिल्कुल उनका तो फायदा है ही। इसके अलावा पोल्यूशन का भी जो स्तर कम होगा वो सबसे अच्छा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर जैसी स्टेट्स के लिए जहां पर पोल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।